अमर रहे, अमर रहे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। हम आग्रह करेंगे अपने बिहार के नेता और बेगूसराय के लोकप्रिय सांसद जी, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मित्रों, मैं आपका आभारी हूं कि मुझे कल आना था, मैं आज आया हूं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन आज हमारे मंच पे देश के लौह पुरुष मानवर अमित शाह जी हैं, जिन्हें आप सुनने आए हैं, और ऐसे में मैं बाधक नहीं बनना चाहता। मैं इतना ही कहूंगा कि आप आज बिहार बंगाल के रास्ते पर चल रहा है, जहां अमन चैन शांति भंग हो रहा है, मुख्यमंत्री लाचार दिख रहे हैं, मीडिया कुछ दिखा रहा है और वास्तु स्थिति और वो कुछ बोलते हैं। जैसे मैं दो प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं, क्या कभी भारत के बिहार में, बंगाल में, किसी भी देश के किसी भी राज्य में कभी हमने तजिया पर कोई पत्थर फेंका? कभी फेंका? कभी फेंका? अगर नहीं फेंका तो हमारे तजिया पर, हमने नहीं फेंका आपके तजिया पर, हमारे हनुमान जी के, हमारे रामचंद्र भगवान के राम जन्मभूमि उत्सव में आखिर पथराव क्यों आपके बगल नालंदा में? इसका जवाब आपको देना होगा। देंगे जवाब? जवाब देंगे? आज आपने कभी सोचा था मोदी जी की जोड़ी और अमित शाह जी की जोड़ी कभी देश में कश्मीर का 370 धारा हटने का कभी सोचा था? सोचा था? सोचा था? सोचा था? सोचा था? आज हमारे लौह पुरुष यहां वर्तमान है। कभी सोचा था कि देश में राम मंदिर भी बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बनेगा? कभी सोचा था? अगर नहीं सोचा था तो आज CIA कानून को, आज 3 तलाक को, जो ऐसा काम था जिसको कोई कर नहीं सकता, आज भारत के गृह मंत्री जी ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने। कभी सोचा था कि बनारस में काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनेगा? बनेगा? सोचा था? केदारनाथ का कॉरिडोर बनेगा? महाकाल का कॉरिडोर बनेगा? अगर नहीं बने तो ये सांस्कृतिक उत्थान अगर भारत में हुआ तो माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में हुआ। आज मैं एक बार जयकारा लगाना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करें, और तालियों की गड़गड़ाहट से ऐसा ताली बजा करके जो अमित भाई को लगे कि नवादा के जाबाजियों ने भारत के सांस्कृतिक उत्थान के लिए आपका स्वागत किया है।
मैं आज के अवसर पर इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ।